Ma'am, this is for you. इतने सारे फूल, इनका मैं क्या करूं? किसने दिए? ये उन्होंने। परी, ये तो वही फ्लावर्स है ना जो तुझे अमन दिया करता था। I don't know, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहीं कहीं है। I really have an intuition, परी। Sorry, ma'am, ये आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। Ma'am, flowers for you। किसने भेजे? ये ma'am, उन्होंने। पिया, चलो यहां से। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये भी ले। हाँ जी, बिल्कुल जी, उनका मिलना जुलना होता ही रहेगा। अरे तू आ गई। तभी तू कनाडा तो कब आई? अरे आज ही आई हूँ। तू मेरी बात छोड़, तू मुझे बताओ तू कैसी है, तेरे घर वाले कैसे हैं? और रब भी बड़ी मेरे, वो जो मेरी बहू है ना सरला, उसका मैरिज हॉल है कुमकुम भाग, बड़ा अच्छे से चल रहा है। वाह, अब तो वहाँ पर एक ही जगह चार चार शादियाँ होंगी। वो कैसे भाई? वो इस तरह कि तू इतने साल कनाडा में रही, कितने सारे NRI तू जानती होगी, और तूने हमारे मैरिज हॉल के बारे में उनको बताया होगा। बताया है कि नहीं? तो उनको ये भी बता कि वो अपने बच्चों की शादी हमारे कुमकुम मैरिज हॉल से कराए। बड़ा लकी है हमारा ये कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल। अरे मैंने तुम्हारा नंबर सबको दे दिया है, हाँ? तू उसकी चिंता मत कर। एक बात है, हाँ। तुम्हारे ये हॉल में शेफ वेफ की जरूरत है? अगर होगी ना तो मेरी पोती है पिया, इतना अच्छा खाना बनाती है, अरे हॉल वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, प्रोफेशनल शेफ है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात तूने बताई। भाई तेरी पोती है तो अच्छा सा डिस्काउंट भी देगी ना। तू अभी तक सुधरी नहीं है, तुझे बताती हूँ, एक नया पैसे का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तू कहाँ बदली है? सच है सरिता, हम नहीं बदले, लेकिन वक्त बदल गया, लोगों के सोचने का तरीका बदल गया, रिश्ते जोड़ना आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया। अब मेरी पोती प्रज्ञा को ले ले, इतनी अच्छी सुशील संस्कारी लड़की के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते हमारी तो कमर टूट गई। कमर टूट गई? अरे तेरे तो इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स है, कोई अच्छा लड़का तो मिल जाएगा ना। आजकल अच्छे और संस्कारी लड़के कहाँ मिलते हैं, उजाले में दिया लेके ढूंढना पड़ता है तो भी ना मिले। वो भी है। खैर, मैंने और मेरी बहू सरला ने ये मुश्किल काम कर ही लिया है। एक लड़का हमें मिल गया है। लाख कोशिशों के बाद आखिर मेरी प्रज्ञा की शादी तय हो गई। अरे वाह, 15 अप्रैल रात 9 बजे का मुहूर्त है, आना जरूर। अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुबारक। हमारा सबका आशीर्वाद तुम्हारे प्रज्ञा के साथ है, उसका ये पवित्र रिश्ता ऐसा ही बना रहे। खैर, वहाँ अमन था या नहीं था? परी, यू डू केयर? और अगर हम थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद हम उसे ढूंढ लेते। मुझे उसे नहीं ढूंढना, समझी तुम? अरे किसे ढूंढने की बात हो रही भाई, मुझे बताओ, शायद मैं कोई हेल्प कर दूं। वो मुझे एक लॉयर ढूंढना है। हाँ, मैं इसे कितने लॉयर्स बता रही हूँ, इसे कोई पसंद ही नहीं आता। लेकिन बेटा तू लॉयर को क्यों ढूंढ रही है? वो अजोबा मेरे मुंबई बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए ना, मुझे बहुत सारा लीगल एडवाइस चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो ड्राफ्ट करने हैं, और गवर्नमेंट के साथ प्रोसीजर्स हैं जो कैरी आउट करने हैं, तो अजोबा मुझे एक सीनियर की जरूरत है जो अच्छी तरह हैंडल कर सके। बस इतनी सी बात? मैं हूं ना, मैं ढूंढता हूं तेरे लिए अच्छा लॉयर, फिक्र मत कर। ओके, गिव मी अ मिनट।
हेलो मेरी। थैंक्स, तुमने बचा लिया। इट्स ऑल राइट, लेकिन पिया प्लीज ध्यान रखना, अमन का जिक्र इस घर में कभी नहीं होना चाहिए। ये ले। बहुत अच्छा लॉयर ढूंढा तेरे लिए, शेखर गुप्ता। यंग है, टैलेंटेड, एक्सपीरियंस्ड, जैसा तुझे चाहिए था। मैंने उससे बात कर ली है, कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना। ही वुड बी एक्सपेक्टिंग योर कॉल। थैंक यू अजूबा। वेलकम। ले, तेरी आजी का फोन है। अर्जुना, अरे कितना बकत लग रहा है, जल्दी निकल, मेरे को निकलना, जल्दी निकल। पहले बाकी का चुकता कर, फिर ये स्टॉक दूंगा। मैं तो बोलता बहुत। मिले, एक काम कर, ये रख, हम लोगों ने पैसे लेने। अबे मुझसे चालाकी करता है। देख सेठ, हम तेरा पूरा उधार चुका देंगे, इधर दे हमरे को, बहुत जरूरी है हमरे को, गांव जाना, हम कल सवेरे तेरे को दे देंगे, ठीक है? वाह, एक तरफ गांव जाने की बात करता है और दूसरी तरफ सुबह आकर मेरे पैसे चुकाएगा। हां, तेरी कोई गारंटी नहीं है साले। हां, दे दे हमरे को, दे दे। ए सुन, पुलिस आ, पुलिस, पुलिस। क्यों भाई? पता नहीं क्यों, अब क्यों? सोम नाम के किसी आदमी को जानते हो? तो हम, उसकी फैमिली उसको ढूंढ रही है। साहब, इस नाम के आदमी को तो मैं जानता नहीं, और आता भी होगा तो पता नहीं। अब मेरा मतलब है कि ग्राहक से तो मैं उसका नाम पूछता नहीं, बस जिसे जो दारू चाहिए वो निकाल कर दे देते हैं। इसे कहीं देखा है क्या? क्या वो यही है? इका मतबल, हाँ, मैं ढूंढ रही है। हाँ साहब, ये आदमी तो हमारे बारे में आता रहता है, अभी आकर गया है थोड़ी देर पहले। सच कह रहे हो? हाँ सर, अभी गया, अभी गया। चलो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमने बार ओनर के पास जाना और उसको उनकी सारी डिटेल ले लेना, ठीक है? इस एग्रीमेंट की एक कॉपी लेकर आना। ओके सर। एंड जस्ट मेक श्योर कि अंकिता और नरेन है, उससे पहले ही रेडी होनी चाहिए। ओके। I'm so sorry. So sorry. I'm really sorry. Okay. May I come in? Yes, please come in. You must be Penny Deshmukh, right? Yes, sir. Right on time. Please have a seat. Thank you. In fact, I spoke to Mr. Deshmukh. उन्होंने मुझे आपके प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। Trust me, it sounds very interesting. आप जानते हैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में? Yeah. कोई भी काम लेने से पहले मैं उसका होमवर्क कर लेता हूँ। That's great. No wonder आजोबा ने आपको रेकमेंड किया है। Mr. Gupta, मैं इंडिया में नई हूँ, ज्यादा लोगों को नहीं जानती, बट आई ट्रस्ट माई आजोबा। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुंबई के बेस्ट लॉयर हैं, इसलिए मैं यहाँ आई। मैं अच्छा लॉयर हूँ या नहीं, ये मेरे साथ काम करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। Excuse me. Hello? हाँ, उसे अंदर भेज दीजिए। एक काम करो, तुम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, खास करके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, वो मुझे दे दो तुम। मैं सब पेपर्स साथ लाई हूँ। That's great. ठीक है, I'll just go through these documents and I'll give you a call. Sure. अंकिता, I'm sorry शेखर, मैं मीटिंग चल रही है, मैं बाद में आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, मेरा काम हो गया। नरेन कहाँ पर है? शेखर वो मेरे साथ ही आए थे, लेकिन अचानक से डॉक्टर का फोन आया और कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट करानी है, तो वो चले गए। लेकिन वो आने वाले हैं और मैंने सोचा तब तक मैं फाइल्स कलेक्ट कर लूँ। वो साइन करना था ना शेखर, उस दिन तुमने कहा था। सर मैं चलती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।